हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 10 मार्च को राजस्थान विधानसभा में एससी एसटी और माइनॉरिटी के विधायकों को बिना माइक वाली सीट देने का रमेश मीणा द्वारा आरोप लगाया गया था। अब यह सामने आया कि विधानसभा में कुल 45 विधायकों को बिना माइक वाली सीटें दी गई, जिनमें कांग्रेस के 26 विधायक शामिल हैं। इन 26 विधायकों में 24 विधायक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। इनमें 5 एससी 5 एसटी व 10 ओबीसी और 4 माइनॉरिटी के विधायक शामिल हैं। दरअसल पायलट समर्थक विधायक रमेश मीणा ने आरोप लगाया था कि एससी एसटी माइनॉरिटी के विधायकों की आवाज़ दबाई जा रही है, उन्हें जानबूझकर बिना माइक वाली सीट दी गई है। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी का तर्क था कि कोविड-19 के कारण ऐसी व्यवस्था की गई है, 20 सत्र में व्यवस्था बदलने के से मुख्य सचेतक ने इनकार कर दिया था। पायलट समर्थक विधायक रमेश मीणा ने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो गया है, लेकिन बैठक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के 2 विधायकों को सीट बदलकर उन्हें माइक वाली सीट दी गई। बीच सत्र में बदलाव नहीं करने की बात करने वाले बताएं कि भाजपा में बदलाव कैसे हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।